मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया, और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। धर्म संसद सजी तो थी धर्म की बात करने के लिए, लेकिन किसे पता था कि उसी मंच से निकला एक बयान धर्म संसद को सियासी पछड़े में बदल देगा। और शायद बयान देने वाले की मंशा भी यही रही होगी, तभी धर्म संसद के भरे मंच से राष्ट्रपिता को अपमानित करने वाले बोल गूंज उठे। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर जो कहा गया, उसका असर सीधे तौर पर धर्म संसद के बाहर भी दिखा। कांग्रेस ने फौरन ही रायपुर के सिविल लाइन थाने में कालीचरण महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। टिकरापारा थाने में भी अपराध दर्ज किया गया। सीएम बघेल भी राष्ट्रपिता के अपमान पर खामोश नहीं रहे। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है, और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। विवाद सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने संत समागम के आयोजकों पर इस सवालिया निशान खड़ा कर दिया। लेकिन जिस प्रकार के बोली और भाषा और जो भी अपने विचार रखे, आज यदि उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कुछ होना इसलिए नहीं है कि जिनको जो बोलना है बोल के चले गए हैं। रह गई बात, तो आप चाहे FIR करें तो भी वो शब्द वापस नहीं होंगे। पहले जानकारी लेनी चाहिए कि किनको आमंत्रित करना है, किन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहिए। इसके आयोजक कौन है, इसकी पूरी व्यवस्था किसने की, जरा इसकी जानकारी निकाले। ये जो नीलकंठ समिति है उसके जो प्रमुख है वो किस पार्टी से जुड़े हुए, इसकी जानकारी निकाले। और निश्चित रूप से महात्मा गांधी इस देश के आदर्श हैं, इस देश के महापुरुष हैं, उनके विरुद्ध में ऐसा बोलना उचित नहीं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने राष्ट्रपिता पर दिए इस बयान को शर्मनाक बताया। मुझे तो शर्म आता है कि इस प्रकार की बातें इस देश में हो रही हैं। महात्मा गांधी इज फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, उनने अहिंसा का रास्ता दिखाया विश्व को, खाली देश को नहीं। त्याग, सत्याग्रह, तपस्या के वो प्रतीक थे, सब कुछ उन्होंने देश के लिए निछावर किया। आज ऐसे अपशब्द उनके बारे में बोलना शर्मनाक है। ये पहला मौका नहीं है जब देश में किसी मंच से राष्ट्रपिता को अपमानित होना पड़ा हो। सस्ती लोकप्रियता के लिए गोट से जिंदाबाद का नारा कई बार सुनाई देता है। कई मंचों पर गांधी और गोट से आमने सामने आ चुके हैं। देखना होगा इस बार इसका फायदा कौन और कब तक उठाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में एक धर्म संसद हुई, सभी को उम्मीद थी कि धर्म पर चर्चा होगी, कुछ धार्मिक बातें, कुछ सत्संग वहां पर देखने और सुनने को मिलेगा। लेकिन उसके अंतिम दिन यानी दूसरे दिन जिस प्रकार कालीचरण महाराज का ये बयान महात्मा गांधी को लेकर आया, उसने पूरी फिजा बदल दी और एक बार विवादित हो गया पूरा आयोजन। हर जगह इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि महात्मा गांधी को लेकर पूरे देश के क्या विचार हैं ये किसी से छिपे नहीं। सभी ना सिर्फ बल्कि देश बल्कि पूरी दुनिया उन्हें एक आदर्श के तौर पर देखती है। ऐसे में अगर इस समागम में कोई महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहता है तो कड़ी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें सियासत का घालमेल नजर आया। कांग्रेस ने तत्काल वहाँ पर FIR कराई और भाजपा पर सवाल उठा दिया कि भाजपा की तरफ से रिएक्शन क्यों नहीं आया। तो भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आयोजनकर्ताओं पर सवाल उठा दिए। तो चर्चा इसी पर कि आखिरकार
महात्मा गांधी को लेकर गाहे बगाहे इस प्रकार की टिप्पणी करने का मकसद क्या होता है? क्या इस प्रकार की टिप्पणियों से किसी का कोई फायदा नजर आता है? चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। श्रीचंद सुंदरानी जी भाजपा से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। और हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं, गांधीवादी विचारक हैं, बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। राकेश शर्मा जी, ये पूरा बयान आपने यहाँ पर आज देखा होगा, और इस बयान के सामने आने के बाद किस प्रकार का विवाद हो रहा है ये भी आपने देखा होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये पहली बार नहीं, लगातार कई बार इससे पहले भी इस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं, बयान आए हैं। क्यों महात्मा गांधी को इस प्रकार का टारगेट किया जाता है? क्या कोई लोकप्रियता बटोरने का तरीका होता है? महात्मा गांधी को लोग समझ नहीं पाते, क्या आपको लगता है? विगत दिनों से गांधी के विचारों पर लगातार नए नए आरोप और किए जा रहे हैं। कोई भी आज तक जो गांधी के विरोधी हैं वो विकल्प के रूप में नहीं आते हैं, वो एक आलोचक के रूप में आते हैं। हम चाहेंगे यदि आप गांधी को कहीं से आप उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं तो उनके बराबर की विचारधारा विकल्प तो बताइए, लेकिन विकल्प नहीं बताते। आज धर्म संसद की बात हो रही है, मैं शिकागो की याद दिलाता हूँ आपको कि स्वामी जी धर्म संसद की मिल के लिए गए थे। एक उद्योगपति ईसाई समुदाय का व्यक्ति, कहा मैं हिंदू धर्म से प्रभावित हूँ, धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। तब स्वामी जी ने कहा नहीं, आप अच्छे ईसाई बनिए, अच्छे मुसलमान बनिए, मेरा धर्म ये कहता है कि अच्छा मुसलमान, अच्छा ईसाई, अच्छा पारसी बनना है। मैं धर्म संसद की सभा में आया हूँ, धर्म परिवर्तन करने नहीं आया हूँ, आलोचना करने नहीं आया हूँ। तो माननीय जो लोग आलोचक हैं, धर्म की सभा को जिन्होंने कलंकित किया है, ये न केवल समाज बल्कि राष्ट्र बल्कि विश्व के लिए बहुत बड़ा अपमान है कि गांधी विचारधारा है, गांधी मर नहीं सकता। तब तो आज संसद में जिंदा है, धर्म संसद में जिंदा है, वरना चर्चा क्यों की जाती? विचारधारा कभी मरती नहीं। और रही बात गांधी की विचारधारा, तो किस विषय में बात करना चाहते हैं आप? यहाँ कुछ होता है तो हमारा हे राम गांधी का और इनका राम, जमीन आसमान का अंतर है। हे राम राष्ट्रवाद को दिखाता है, हिंदुवाद को दिखाता है, धर्म को इंगित करता है, किसी को चिढ़ाता नहीं। लेकिन आप कौन सी बात कर रहे हैं, किस गांधी की बात कर रहे हैं जिसने ऐसी विचारधारा रखा जो सारे विश्व के समुदाय और सारे समुदाय के लिए रखा? गांधी कभी मर नहीं सकता, ना गांधी की विचारधारा कोई मार नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने एक ही नारा दिया कि दुनिया में सब लोग देख चुके कि आंख के फोड़ने के बदले आंख फोड़ दो तो पूरी दुनिया अंधी हो जाती, बंदूक के बदले बंदूक उठा लो तो सब लोग मर जाएंगे, तो उसका विकल्प एक ही है, अहिंसा परमो धर्मास्ति, अहिंसा परमो, हर साधु संत बोलता है। लेकिन पता नहीं इस देश के साधु संत चिंतक विचार के लोगों के कई बार मुझे पीड़ा होती है कि माँ आज ऐसे विचारकों को भी जन्म देना बंद कर दी है जिसमें विवेकानंद महात्मा गांधी की विचारधारा आज भी है। ना कहीं ठूसा जा रहा है, ना कहीं परोसा जा रहा है, ना कोई अन्य राजनीतिक दल ये कह रहा है कि आप गांधी की आइडियोलॉजी को मानिए, लेकिन सारा विश्व आज भी गांधी की आइडियोलॉजी को मानता है और मानते रहेगा। इनके इनके गांधी के विचार होने वाला है, निश्चित रूप से ये बात आपने यहाँ पर सही कही। और ये विवाद यहाँ पर जरूर हुआ है, जो धर्म संसद के नाम पर यहाँ पर जो कहा गया उससे निश्चित रूप से एक विवाद जरूर यहाँ पर पैदा हुआ है। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, धर्म संसद में जो ये बयान आया और उसके बाद FIR दर्ज की गई, क्या आपको लग रहा है किस तरीके से इस पूरे बयान को आप देख रहे हैं? क्योंकि चर्चा कुछ और होनी थी, वहां इस प्रकार का बयान दे दिया गया, और पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण सामने हैं। क्यों इस प्रकार के बयान सामने आते हैं और फिर उसके बाद सियासत भी होने लगती है उस पर? देखिए अभिषेक जी, एक बात तो जरूर है कि पिछले कुछ समय से जब से मीडिया का महत्व बढ़ा है, तब से बहुत सारे लोग जी बड़े लोगों के खिलाफ टिप्पणी करके अपने आप को चर्चित करने का प्रयास करते हैं। और एक दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि पिछले कुछ समय से राजनीति के गलियारे में भी गांधी को गाली देना एक फैशन बनता जा रहा है। इसलिए गांधी का हे राम आज भी सबको प्रफुल्लित करता है,
आज भी विश्व को अच्छा संदेश देता है, ये गांधी स्वामी जी के आइडियोलॉजी को मानने वाला, आइडियोलॉजी को मानने वाला ये देश। राकेश जी, मैं सुरेंद्र जी से बात कर रहा था, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। राकेश जी बोलिए। तो इससे क्या हो रहा है जी कि एक सबसे पहले बात तो ये है कि बहुत सारे लोग जो है नकली साधु जो है संत बने घूम रहे हैं। ये जो कालीचरण है ये संत के नाम से कलंक है, इसपे संत नाम की कोई चीज हो नहीं सकती। संत के बारे में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि संत जो है कपास की तरह होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, वो किसी सामान्य व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी नहीं करता। महात्मा गांधी के खिलाफ आप टिप्पणी करते हैं, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में जिस व्यक्ति की साख है, अगर हिंदुस्तान को जाना जाता है तो गांधी के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के कई निर्णयों से असहमति हो सकती है, मगर गांधीवाद के, गांधी के विचारों पे, अहिंसा पे, सत्य पे, प्रेम पे, इस बात पर टिप्पणी नहीं की, नहीं हो सकती। अब वो भी धर्म संसद में, वहां पर आपने धर्म संसद में गांधी को गाली दे करके धर्म संसद को कलंकित किया है। और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने तो निंदा की ही है, संपूर्ण हिंदुस्तान को, भारतीय जनता पार्टी को एक मतेन होकर के ऐसे व्यक्ति की निंदा की जानी चाहिए और इनको संविधान के अनुरूप इनको दंडित करने का निर्णय लेना चाहिए। जी सुंदरानी जी, ये जो सब कुछ हुआ, वाकया हुआ, एक आरोप सियासी तौर पर सामने आया भाजपा पर कि भाजपा जल्दी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही, या भाजपा इस पूरे मुद्दे की आलोचना क्यों नहीं कर रही? नहीं अभिषेक जी, मैं बड़ा दुर्भाग्यजनक मानता हूँ, जो पार्टी गांधीवादी समाजवाद को लेकर चल रही हो, जो पार्टी गांधी के आदर्शों को लागू करने की बात करती हो, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पे स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री पूरे देश में चलाते हैं, पूरे देश की राज्य सरकारें, अधिकांश राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, महात्मा गांधी के विचारों का हमेशा हम समर्थन करते आए, अचानक ये घटना हो जाती है और कालीचरण जी महाराज अगर धर्म संसद में बोलते हैं और वो सारा का सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ा जाता है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी गांधी विरोधी विचारों का कभी समर्थन नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करती, और ये कांग्रेस के लोग न चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में ये घुसाना चाहते हैं गांधी विरोधी बात को। वास्तविकता देखें, गांधी के नाम का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसने महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर पूरी सरकार चल रही है आज, महात्मा गांधी के विचारों को पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में पहुंचाने का काम करे। कालीचरण जी महाराज को बुलाया किसने? शिव तांडव स्रोत बोलने के बाद वो बैठ गए थे, दोबारा मंच पे किसने आमंत्रित किया? हमारे महंत राम सुंदर दास जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, वो हमारे बहुत अच्छे संत है छत्तीसगढ़ के, मैं उनको प्रणाम करता हूँ क्षमा चाहते हुए, क्या वो इस आयोजन समिति के चयन करता थे, संतों को आमंत्रित करता में उन्होंने आमंत्रित किया था, और वहां पे प्रमोद दुबे जी पूर्व महापौर वहां बैठे थे जब कालीचरण जी महाराज ने अपना संबोधन समाप्त किया, उसके बाद 4-5 वक्ताओं ने अपने भाषण दिए, अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे संतों ने, इसके बाद ये बवाल जो सामने आया, इतना देर क्यों किया गया, और कालीचरण जी महाराज को किसने बुलाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था, ये आयोजन भारतीय जनता पार्टी का था, आप खामोखा भारतीय जनता पार्टी को इस विवाद में लाना चाहते हैं। ठीक, सुरेंद्र शर्मा जी, भाजपा का कहना है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, अगर है किसी का तो आयोजनकर्ताओं का है जिसमें कई कांग्रेसी शामिल थे। मैं कह रहा हूं कि कहीं आयोजनकर्ता भारतीय जनता पार्टी है ये तो कि कांग्रेस ने कहा नहीं, और न उस धर्म संसद का आयोजक कांग्रेस पार्टी था। बात दरअसल ये है कि कहीं किसी महापुरुष के खिलाफ कोई बात हो रही हो
तो आप उसके बारे में सहमत हैं असहमत हैं? इतने बड़ी जिम्मेदार पार्टी है छत्तीसगढ़ की, क्या आपने निंदा किया? क्या आपने उस व्यक्ति की भर्त्सना की? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप कहते हैं कि वो उनके विचार है, आपका नेता प्रतिपक्ष कहता है कि वो उनके विचार है, और उनको तो दिक्कत ये है कि पिछले 7 सालों में गोडसे की मूर्तियां बनने लग गई, 7 सालों में गोडसे जिंदाबाद के नारे लगने लग गए, 7 साल में गांधी को गाली देने वाले लोगों की आगाध संख्या हो गई, तमाम सोशल मीडिया में आप देखिए। तो दिक्कत यह है कि इतने बड़े महापुरुष को जिन्होंने अपने सारे जीवन को समर्पण कर दिया, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति को, गरीबों को, जंगल में निवास करने वाले लोगों को एक सूत्रबद्ध करके आजादी के आंदोलन के लिए खड़ा कर दिया, ऐसे व्यक्ति को शर्मा जी, ये ऐसे कहां भाजपा करती है? भाजपा तो गांधीवादी विचारों का समर्थन करती है, भारतीय जनता पार्टी तो गांधी के विचारों को पहुंचाने काम करती है। खुले में शौच न हो, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं। आपने प्रधानमंत्री की निंदा भी तो नहीं की, आपने गांधी चरण की अभी तक निंदा नहीं किया है। हम आपको ये कहना चाहिए, काली चरण ने बहुत गलत बात कही है, हम इसकी निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, ये बात तो कही है आप को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं जो गांधी के विचारों को तोड़ मरोड़ के पेश करे, उनके साथ नहीं है। हम तो गांधी के आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। गांधी के आदर्शों को इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। आप तो निंदा प्रस्ताव भी पारित नहीं कर रहे हैं, निंदा भी नहीं कर रहे हैं ऐसे काली चरण की। मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी इस खाली स्वच्छता अभियान के लिए नहीं थे सुंदरानी जी, गांधी जी जो है महा गांधी जी अगर सवाल ये है कि आप गली के कचरा को साफ करना चाहते हैं तो मन के कचरा को भी साफ कीजिए, तब आप गांधी को मानेंगे। गांधी को समझने का मतलब ये है कि आप गांधीवाद को समझिए, और जो गली की गंदगी तो गांधीवादी समाजवाद के ऊपर हुआ, भारतीय जनता पार्टी का गठन ही गांधीवादी समाजवाद में हुआ है, और जो आयोजन हमारा नहीं, जिसको हमने बुलाया नहीं, और उसके बारे में आप हमसे टिप्पणी मांगते हो, हमने कब उनकी बातों का समर्थन किया? अरे आप तो ये बताइए, वह छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी, मंच आपका, बुलाने वाले आपके लोग, आयोजन में बैठे आपके लोग, और उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते और अपनी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी के मुंह में धकेलना चाहते। आप गांधी का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन गांधी का शोषण करने वाले कांग्रेस ही हो। भारतीय जनता पार्टी ने कभी महात्मा गांधी के नाम का शोषण नहीं किया है। महात्मा गांधी जी के आदर्शों को लागू करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रास और कालीचरण महाराज जी, कालीचरण महाराज जी का तो पता लगाइए ना, वो कैसे हुए? आपने गांधी जी को सफाई करने वाला ही समझ लिया है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, सफाई अरे भारतीय भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी चरण छूकर प्रणाम करते हैं उनको जो सफाई करते हैं। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया तो भारतीय जनता पार्टी करते हैं, तो आप काली चरण की निंदा क्यों नहीं करते? यही तो हम कह रहे हैं, समर्थन कर रहे काली चरण जी के, अरे समर्थन करते आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, हम उन्हें विचारों का समर्थन नहीं करते। महात्मा गांधी जी के बारे में जो भिन्नता रखता होगा विचारों का, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन कतई नहीं करती। तो निंदा करती है कि नहीं? जो गाली दिए उसकी निंदा करती है? सुंदरानी जी, मेरा सवाल था आपसे। जी अभिषेक जी, सुंदरानी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था कि जो उन पर FIR दर्ज हुई है बयान देने को लेकर, सभी का कहना है कानून अपनी पूरी तरीके से कार्रवाई करेगा, आप लोग इससे कितने सहमत हैं? क्या कानून को कार्रवाई वहां करनी चाहिए, उस मसले पर गिरफ्तारी होनी चाहिए? देखिए अभिषेक जी, किसने बुलाया, किसकी उपस्थिति में उन्होंने ये बयान दिया, क्या वे जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने इनको बुलाया वहां पे, और काली चरण जी के ऊपर कानून क्या कार्रवाई करेगा, ये कानून का काम है। और इन्होंने FIR दर्ज की है तो क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के किए क्या, जो भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तारी की मांग करे? भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। काली चरण जी को बुलाया इन्होंने, मंच इनका। इतना जरूर मैं
अभिषेक जी कि गांधी विरोधी विचारों का समर्थन कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। नहीं नहीं, मैं मेरा सिर्फ एक ही बात है सुरेंद्र शर्मा जी, उनका कहना है कि क्या उसका समर्थन नहीं करते लेकिन आलोचना फिलहाल नहीं करना चाह रहे। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि कालीचरण ने धर्म संसद के एक उचित मतलब सुंदर स्थान पर गांधी जी के खिलाफ जो गलत टिप्पणी की, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है कि नहीं? ये तो बताए पहले आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, महंत जी वहां पे थे आयोजक। नहीं नहीं, मैं तो अरे हमने थे प्रमोद, प्रमोद दुबे जी आपके विद्वान विद्वान। नहीं नहीं, हमने एफआई आर दर्ज करा दिया, हमारा कांग्रेस का प्रदर्शन भी चल रहा है, महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया, हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहाँ कालीचरण जी के पक्ष में खड़ी हुई आके? कब आपको आके बोला कि आप FIR दर्ज मत करिए? कब आपको बोला उन्होंने सही बोला है? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कालीचरण महाराज जी के शब्दों का समर्थन किया? फाइनल टिप्पणी मैं यहाँ पर राकेश शर्मा जी के लेता हूँ, राकेश शर्मा जी से लेता हूँ मैं, सुरेंद्र जी सुंदरानी जी, राकेश शर्मा जी से एक टिप्पणी में लेना, समय कम है मेरे पास। राकेश शर्मा जी, जो इस प्रकार के बयान बार बार आते हैं महात्मा गांधी को लेकर, और जैसा कि सुरेंद्र जी भी कह रहे थे कि लोग शायद सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं, इन पर रोक किस तरीके से लगे और क्या कानून ही पर्याप्त है? ये आपको लगता है कि महात्मा गांधी को वाकई पढ़ना लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए? देखिए सुंदरानी जी की बात को मैं सुन रहा हूं, ये हमेशा कानून तोड़ने वाले लोग हैं, आज जब कालीचरण जी ने कहा तो ये कानून के कहां से समर्थक हो गए? कब से देश के कानून को मानने लग गए, कब के समाज से कानून को मानने लगे? राष्ट्रवादी गांधी को बढ़ावा कैसे मिले देश में, इस पर आपसे टिप्पणी चाहता हूं। ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है, भगवा जो है राकेश शर्मा जी, गांधीवादी विचारधारा को बढ़ावा कैसे मिले, मैं इस पर चाहता हूं। उसको भी आपने हाईजेक करके रखा है, आपने हाईजेक करके रखा है, हर घर घर भगवा छाएगा आप बोलते हैं, आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक जो सभा होती है संतों की, उस सभा में महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी की जाती है और महात्मा गांधी को लेकर जो टिप्पणी होती है उसके बाद अभद्र टिप्पणी के बाद FIR होती है, आलोचना होती है, लेकिन साथ साथ सियासत का भी घालमेल इसमें हो जाता है जो कि होना नहीं चाहिए था। बहरहाल आज का मुद्दा में इतना, नमस्कार।